सबसे पहले केक का सबसे ऊपर वाला पार्ट काट लें। अब उस कटे हुए पार्ट को इस तरीके से कट करें। और ये देखिए, इस तरीके से आपको पीसेस मिल जाएंगे। आपको इनके सिर्फ 3 पीसेस का ही यूज करना है। अब इसके ऊपर अच्छे से व्हिप क्रीम लगा दीजिए और इसके ऊपर चोको चिप्स डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से व्हिप क्रीम से कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटे बाद इसको फ्रिज से निकालिए और इसको अच्छे से फोंडेंट से कवर कर लीजिए। एक्स्ट्रा फोंडेंट को हटा दीजिए। आप चाहे तो इसको भी व्हिप क्रीम से कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर अब ब्लू कलर का फोंडेंट डाल दीजिए। ब्लैक कलर के फोंडेंट से बनी हुई स्ट्रिप इसमें लगा दीजिए। अब केक के ऊपर बॉक्स को रख दीजिए, चिकन के पीसेस को रख दीजिए, गन की बुलेट को रख दीजिए, बैंडेज को रख दीजिए और गन को रख दीजिए। इन सभी को मैंने फोंडेंट से बनाया है। चॉकलेट सॉस से आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। व्हिप क्रीम से घास बना दीजिए। और ये देखिए, हमारा पबजी केक अच्छे से रेडी हो चुका है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।